डूड मैं एक मिशन कंप्लीट करने हो गया, वहाँ क्रिसिलिया मुझे पकड़ना था, तो यार समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है। और जब मैं इस मिशन को कंप्लीट करने आया तो भाई वो गेट ओपन हो गया फाइनली, जिसे मैं बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहा था। और राइट भाई, क्रिसिलिया को पकड़ने में आया हूँ इस तरफ। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, किम छदा। तो भाई देख ही रहे हो कि यार मेरा हाल क्या है, मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया था। फाइनली मुझे समझ में आया कि एक बॉल फेंकना है ताकि वो मेरे को आने दे उसके तरफ, ताकि मैं उसे फाइट वगैरह कर सकूं। तो यहाँ पे तो ये पकड़ में आ नहीं रहा, मेरे पास स्टिकी बॉल है भी नहीं ताकि मैं इसे वो चक्कर में दे के पकड़ सकूं। ऑल राइट, तो एक ही उपाय है, यहाँ पे फाइट करने पड़ेगी मुझे। डूड मैं यहाँ पे जो अपने शाइनी पोकेमोन्स लेके आया हूँ वो थोड़े से लेवल कम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऑल राइट, मैंने एक बैकअप के लिए अपना डियाल्गा रखा हुआ था, तो इसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि इसे थोड़ा सा डैमेज करके पकड़ सकूँ। डूड इसे पकड़ने में यार सच में बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि यार फाइनली मुझे सच में ये पता नहीं था कि यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने से हमें लेजेंडरी पोकेमोन्स मिलते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा था कि यार ग्रास वगैरह में ही मिलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मिल तो रहा है कहीं से भी, वो भी ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। अगर तुम्हें ये पोकेमोन नहीं भी चाहिए तो लेने पड़ेगा आपको। ऑल राइट डूड, एक और चीज़ मुझे तुम लोगों से पूछा था, ये नोबल पोकेमोन जिनसे हम लोग फाइट करते हैं ना, वो पूरा सोना का बना हुआ होता है, उसको हम लोग मार देते हैं, क्या हम लोग उसको पकड़ सकते हैं? वो समझ नहीं आ रहा मुझे, बिकॉज नोबल से मैंने फिर से फाइट की, मुझे लगा था उसे मैं पकड़ सकता हूँ। तो देखते हैं, वो वाला एक टॉपिक बन जाएगा। फिलहाल में यार डियाल्गा यार यहाँ पे हाल इसने ख़राब कर रखा हुआ, मैंने तो सोचा कि चलो ठीक है, लास्ट इसका चांस बचा हुआ तो इसको डैमेज दे देते कम से कम इतना कि इसको आराम से मैं पकड़ सकूँ, अदरवाइज बहुत सारे बॉल्स ये मेरा बेकार कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट चलो ठीक है 20 HP बचा हुआ है, मैं इसे विंग नहीं गैगाटॉन नहीं गीगाटॉन बॉल से पकड़ सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। ऑल राइट, देखते क्या होता है। भाई आ जाना यार एक बार में, अरे भाई साहब एक ही बार में आ गया, बिकॉज मैंने HP इतनी लो कर दी थी ना, दैट्स व्हाई। ऊपर से गीगाटन बॉल हाई फ्रिक्वेंसी वाला है, हाई फ्रिक्वेंसी बोला हाई चांसेस वाला पोकेमोन पकड़ने को। ऑल राइट डूड, फाइनली एक ड्रेड प्लेट मुझे मिला है। ऑल राइट, एक और प्लेट मुझे शायद चाहिए होगा, वो स्टील वाला ना, क्या था वो याद नहीं आ रहा, तो जाकर समझ ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये ड्रेड प्लेट को मैं रखता हूँ, इन लोग से बात कर लेता हूँ। नॉट बैड थिंकिंग अबाउट एक्चुअली। ऑल राइट, आई विल गो। ऑल राइट, अ प्लेट मिशन मून व्यू ओरिना, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, मून व्यू ओरिना वाला जो मिशन है वो कंप्लीट हुआ। डूड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे ना और भी लाइक क्रिसिलिया वो वाइल्ड वाले यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, तो मैं ना थोड़ा सा पीछे घूम घाम के देख रहा था कि यार चलो अगर हो तो मज़ा आ जाएगा, इस तरफ ही आके पकड़ा करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक ही हम लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ। और डूड मुझे यहाँ पे ना एक मास आउटब्रेक देखने को मिला जब मैं सिनोहा टेम्पल की तरफ जा रहा था दूसरा मिशन कंप्लीट करने को। तो देखते हैं यहाँ पे शाइनी ईवी क्या मैं पकड़ पाता हूँ। तो ये मैं जेट बॉल निकाल लिया हुआ ताकि एक एक बार मैं पकड़ सकूँ, स्नाइपिंग कर सकूँ, आई मीन टू से। चलो ठीक है, यार पता है देखो ज़्यादातर चांसेस तब होते हैं शाइनी पोकेमोन आने के जब तुम स्टार्टिंग में यहाँ पर आते हो, वो अपीयर हुआ रहता है वो वाला। मेरा स्टिल स्प्रे वो भी ख़त्म हो चुका, मैं अब हिलूंगा तो पता चल रहा है उन लोगों को। वैसे भी वहाँ पे कुछ मिला नहीं मेरे को, तो वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। सिंपली मैं आया था अपना यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने को, सॉरी स्नो पॉइंट टेम्पल, सिनोहा टेम्पल बोल रहा था, स्नो पॉइंट टेम्पल आया था। ऑल राइट, तो भाई यहाँ पे समझ नहीं आया था मुझे, तो ये लोग आए और मुझे शायद बता रहे थे सीक्रेट वगैरह, और यहाँ पे प्लेट को लगाना है, उसके बाद ही ये सब होने लगेगा, ऑलमोस्ट अपने आप ही खुलने लगेगा, तो ऐसा ही होने वाला है अभी फिलहाल। यहाँ पे सामने मुझे जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट। अब और क्या है इसके अंदर? ऑल राइट, ये अपने आप ही ये रहा सारे स्टोन आयरन आइसिल एंड यू आर कैरिंग रिएक्टिंग टू प्लेट। ऑल राइट लेट्स सी। ओ भाई ओपन हो गया फाइनली, मेरे ख्याल से इसमें ही मुझे रैगिगस मिलेगा और उससे शायद मुझे फाइट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ, पता नहीं, ये मैं नहीं जानता, तो वहाँ जाकर पता चलेगा। फिलहाल मैं देख रहा था कि यार ये मतलब इसके आसपास क्या कोई रास्ता वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे मैं भुला जाता हूँ, इन्हें इधर उधर जाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। ऑल राइट, तो ये रेगिगस का ही हाँ जगह है, मुझे समझ में आ रहा, मैंने एक वीडियो में देखा था, लेकिन डूड अगर मैं वो रेगिगस को पकड़ पाता हूँ यार बहुत सही होगा। और लेवल कितना होने वाला है? मेरे ख्याल से 60, 65 या फिर 70 इतना ही हो का लेवल हो सकता है मतलब रेगिगस का। वैसे यहाँ पे पोकेमोन्स बहुत सारे अवेलेबल है, मुझे तो पहले लगा था ना ये शाइनी है, लेकिन नहीं, मैंने गौर से देखा तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गया, वैसे साइन ही नहीं। ओ भाई तीन तीन बॉडी गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई काम की नहीं है तुम लोग यार निकले कोई काम की नहीं, अगर मुझे रोक नहीं पाया तो किस काम का बॉडी गार्ड बताओ। ऑल राइट, मैं फाइनली रैगी गैस का, भाई मेरे से पहले ये लोग कैसे पहुँच जाता है? हाँ इतना स्पीड भी तो मैं आ रहा था। ओ व्हाट इज द थिंग, ये लोग खुद ही देख के ऐसे चौंक रहा है। ठीक है, ऑल राइट, मुझे सामने जाना पड़ेगा उसके।
ठीक है चलते हैं, देखते हैं फिर होता क्या है। जूत। अच्छा मुझे इससे पहले फाइट कर, अच्छा फाइट के दौरान शायद कुछ हो सके, आई मीन जिसे पकड़ सकूं मैं इसे, तो ये मेरा शाइनी पोकेमोन में निकालता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा इस बात का कि अगर वो मुझे वन शॉट किल करता गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 70 लेवल का पोकेमोन है और यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा मूव नहीं है जिससे मैं उसे थोड़ा भी डैमेज दे सकूँ, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे मूव यूज़ करता हूँ तो यह खरोच पड़ेगा उसे लिटरली। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने स्ट्रॉन्ग स्टाइल यूज़ किया ताकि ज़्यादा डैमेज दे सकूँ, इतना डैमेज पड़ रहा है ऑलमोस्ट। अब भाई सही सही डैमेज दे दिया यार ये 46 लेवल का पोकेमोन, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। चलो ठीक है देखते हैं कोई बढ़िया सा पोकेमोन। डियाल्गा ही सही रहेगा, नहीं रुको यार डियाल्गा मोरक्रो नहीं, हाँ स्लीगो सही रहेगा, ये इफेक्टिव है, थोड़ा मैं डैमेज करके देता रहूँगा, 1 HP या फिर 20 HP के करीब इसको लेकर आऊँगा तब पकड़ लूँगा। ऑल राइट तो वो फाइट करते हैं, नहीं पहले पकड़ के देखते हैं एक बार, नहीं यार रहने दो फाइट ही कर लेते हैं, फालतू का अगर बॉल बर्बाद हो तो ज़्यादा बेटर नहीं है। ठीक है ये रॉक स्लाइड मैंने यूज़ करा स्ट्रॉन्ग स्टाइल के साथ ताकि ज़्यादा डैमेज दे सकूँ। भाई सॉब ये कौन सा मूव था उसका, क्या एनिमेशन है भाई, मज़ा आ गया। हाइड्रोपम्प, चलो ठीक है देखते हैं हाइड्रोपम्प से क्या होता है। हाइड्रोपम्प स्पेशल अटैक टाइप मूव है और ये स्लीगो है अपना अटैक टाइप आई थिंक सो, मैं भूल चुका हूँ। तो देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है, ठीक ठाक डैमेज पड़ गया दैट मीन्स अटैक ही मैंने इसको कर रखा है, एफर्ट पॉइंट से मैंने इसे बढ़ा दिया था अटैक। ठीक है विंग बॉल से नहीं, लीडन बॉल कब काम आएगा इसी से मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि लीडन बॉल यूज़ नहीं करता ज़्यादातर मैं, तो यहीं पर पकड़ने की कोशिश करता हूँ, एक बार में तो आ नहीं रहा यार लीडन बॉल, बहुत बेकार बॉल है यार, मतलब तो कभी भी उसे पकड़ता हूँ एक बार में पकड़ाते ही नहीं है। अरे भाई मार दिया यार स्लीगो के मेरे इसने, आई थिंक सो वो गीगा इम्पैक्ट यूज़ कर रहा। हाँ चलो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ अपना सेंसनियस और लीडन बॉल ही यूज़ करूँगा यार, चाहे सारा का सारा लीडन बॉल ख़त्म हो जाए एटलीस्ट ख़त्म करके हटाऊँगा, मेरा बैग में पड़ा हुआ है, मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता, यूज़ करके ही ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑल राइट इट्स नॉट गुड, अरे यार रेगिगन हेड बट ऑल राइट, फिर से एक पोकेमोन गया, मतलब सारे पोकेमोन को मारते हैं क्या यार ये। ऑल राइट ड्रिफ्लिम, ड्रिफ्लिम भाई अच्छा खासा मेरा डिफेंस है ड्रिफ्लिम का, मैंने इसका एफर्ट पॉइंट भी बढ़ा दिया हुआ है ताकि इससे अच्छे से फाइट वगैरह कर सकूँ। लीडन बॉल है ऑल राइट, भाई गीगाटन बॉल से ही पकड़ लेता हूँ, फालतू का बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है मेरा, मैं नहीं चाहता इतना वक्त बर्बाद हो। ऑल राइट देखते हैं, वाह इट्स नॉट गुड अगेन, मतलब यार कोई इन लोग का तय किया हुआ दाम है क्या बॉल्स का कि 3 या 4 वेस्ट करवाने के बाद ही पकड़ में आएगा, मैंने इतना कम HP कर दिया हुआ फिर भी ऐसा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से गीगाटन बॉल ही यूज़, सॉरी अल्ट्रा बॉल यूज़ किया मैंने इस बार दूसरा बॉल ताकि ये पकड़ में आ जाए फाइनली, भाई अल्ट्रा बॉल से पाल के पकड़ में आ गया तो ये कौन सा खेत का मूली है ना। चलो ठीक है रेगिगस पकड़ा गया, क्रिसेलिया पकड़ा गया, क्या बात है भाई मज़ा ही आ गया। इन सबको मैं अभी फिलहाल टीम में तो नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि अभी शाइनी का चीज़ पकड़ लिया है मेरे को। ऑल राइट ब्लैंक प्लेट मुझे यहाँ पर मिला है जो कि किस काम में आएगा पता नहीं, वो तो आगे जाकर समझ में आएगा, मैं भूल चुका हूँ मिशन वगैरह सारा, ठीक है वो आगे जाकर समझ लूँगा मैं। फिलहाल यहाँ पर जो ये लोग बात कर रहे हैं तारीफ वगैरह हमारी कर रहे हैं, अलग लूट क्या बात है। ठीक है भैया थैंक यू सो मच, अब तुम लोग इतना भी तारीफ मत करो। अच्छा प्ले द प्लेट ऑफ सिनो पॉइंट टेम्पल कम्प्लीट हुआ, दूसरा मिशन की तरफ मैं बढ़ूँगा, उससे पहले अपने सारे पोकेमोन्स को देखना चाहता हूँ। ये रहा सारा ईवी, एक भी यार शाइनी पकड़ाया नहीं, दुख है इस बात का, कोई बात नहीं 5,000 रुपया मैंने कमा लिया, 46,000 रुपया है हमारे पास। ऑल राइट इट सीम्स गुड, मैं यहाँ पे इनसे अपील करता हूँ कि देखो भैया ऐसा सा बात है। तो भाई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट, और हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आने वाला है क्योंकि इसके बाद भाई मैं सिनोहा टेम्पल पे जाने वाला हूँ आर्केस के लिए, तो वह देखते क्या होता है। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे, शुक्रिया थैंक यू।